हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक्सेल शीट के अंदर अपने लाइव स्टॉक, अपने क्रिप्टो करेंसीज को कैसे जो है आप डायरेक्टली यहां पे अपडेट कराएंगे लाइव। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बिना किसी सब्सक्रिप्शन के जो है यहाँ पर एकदम लाइव जो है अपडेट करके दिखाएंगे, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि एक्सेल के अंदर आपको इनकी एंट्रीज जो है और कैसे आपको डेटा उठाना है, सारा का सारा जो टेक्निक है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, और उसके बाद आप स्टॉक नेम दे सकते हैं या क्रिप्टो नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो नेम दे देता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो नेम, या तो आप नेम पर्टिकुलर भी दे सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स जो है फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको जैसे देने आप वैसे दे सकते हैं। और इसके बाद जो है इसका मैं प्राइस लिख लेता हूँ, और प्राइस जो मैं लिखूँगा फ्रेंड्स INR में लिखूँगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको INR में कैसे यहाँ पे अपडेट कराना है और USDT वगैरह में कैसे अपडेट करवाना है, ये भी जो है आपको बता दूंगा। इतना ही नहीं, आप जिस चाहे क्रिप्टो करेंसी को किसी भी करेंसी में जो भी ये जैसे कन्वर्जन दिखाना आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने प्राइस लिख लिया, वो भी किस में लिखा है INR में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वॉलेट, ठीक है, यानी करंट वॉलेट में मेरे कितना वो क्रिप्टो करेंसी या कितने स्टॉक पड़े हैं वो यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद इनकी करंट वैल्यू जो है उस कॉइन की या उस स्टॉक की जो है मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो है करंट वैल्यू, इसको भी मैं INR में शो कराता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे INR कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स थे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम सीरियल नंबर्स की जो है एंट्री करवा देते हैं। तो सीरियल नंबर्स यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है जितना मर्जी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 सीरियल नंबर्स की जो है एंट्री यहाँ पर ले ली है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप इसको जो है अपने हिसाब से जो है जैसे आपको फॉर्मेटिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेटिंग आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग लगभग अब सेट कर दी है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मेटिंग सेट हो गई है। और इसको भी हम यहाँ पे सेट कर ही देते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, इसका कलर मैं ये देता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इतनी मैंने यहाँ पे बेसिक एंट्रीज जो है यहाँ पे कर दी है, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी एंट्रीज यहाँ पे हो जाएगी। अब हमें क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है क्रिप्टो नेम, तो पहले हम मान लेते हैं हमने बिटकॉइन परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिटकॉइन BTC, ताकि इसका शॉर्ट फॉर्म भी हमें यूज़ करना पड़ेगा आगे, वो हम देखेंगे कैसे करना है। जैसे बिटकॉइन, ठीक है, प्राइज इन INR, यहाँ पे हम मैन्युअली एंट्री नहीं करेंगे, इसके अंदर हम जो है डायरेक्टली डेटा फेच करवाएंगे। वॉलेट पूछ रहा है कितने बिटकॉइन है आपके पास, मैंने बोल दिया एक बिटकॉइन है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डोज कॉइन, ठीक है, डोज कॉइन के बाद मैं ले लेता हूँ ट्रोन, ट्रोन का शॉर्ट कोड है TRX, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ DG बाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ DG बाइट, ठीक है, DG बाइट का शॉर्टकट है DGB, तो यहाँ लिख देता हूँ DGB। फ्रेंड्स, आपको शॉर्टकट जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप शॉर्टकट नहीं जानेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट करने में जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसलिए किसी भी करेंसी का आप यहाँ पे नेम देते हैं तो शॉर्टकट जो है ज़रूर दीजिएगा। तो अब एक मैं लास्ट ले लेता हूँ स्टोर्ज कॉइन, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टोर्ज कॉइन के बारे में डेटा ले लिया। अब मैं इसको जो यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि लाइव अपडेट होने में ईजी रहे। तो फॉर्मेटिंग सेल्स पे जाता हूँ और इसको जो है बॉर्डर्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आपको जैसे हिसाब से आपको लगता है कि आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग जो है फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेरा मेन मकसद इस वीडियो में सिर्फ आपको डेटा अपडेट करके दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टॉक या वॉच लिस्ट के नाम से, ऐसे करके सेव कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोर्टफोलियो और एंड वॉच लिस्ट, ठीक है। अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग जो है फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग ही रहेगी, आप जैसा चाहे वैसे फॉर्मेटिंग जो है इसकी कर सकते हैं। इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो गया। मान लेते हैं कि मेरे पास बिटकॉइन एक पड़ा है, ठीक है, डोज कॉइन मेरे पास 15,000 हैं, ट्रोन मेरे पास 10,000 हैं, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और डीजी बाइट मेरे पास लगभग
25,000 है, मैं यहाँ पे इसकी एंट्री कर देता हूँ, और स्टोरेज कॉइन लगभग मेरे पास 50,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो है इसकी करंट वैल्यू शो करेगा, ये टोटल हमारे पास जितने कॉइन हैं यहाँ, और यहाँ पे जो है हम बैलेंस जो है जो भी इसका करंट प्राइस है वो यहाँ पे इन सेल्स में अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पे करंट वैल्यू हमें इस कॉइन की जानने के लिए हम लगाएंगे इक्वल टू प्राइस इन INR मल्टीप्लाई बाय दिस वॉलेट। ठीक है, इसको हम कर देंगे एंटर, और उसके बाद यही फॉर्मूला हम सभी सेल्स में अप्लाई कर देंगे। आपके पास जितनी सेल्स हो उतनी जगह आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। हमारा इतना काम हो गया। अब बात यह है, यहाँ पे जो हम इनकी वैल्यूज़ को फेच करेंगे, ये डेटा हम कहाँ से उठाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको जाना है इंसर्ट में, और आपको यहाँ पे दिखेगा गेट एडिंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके सिस्टम में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट इनेबल होगा तभी जो है ये ऑफिस के एडिंस जो है यहाँ पे शो होंगे। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सर्च में लिखना है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक करके आपको सर्च कर देना है। हमें जो है स्टॉक कनेक्ट की हेल्प से इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है स्टॉक कनेक्टर, इसको जो है आपको ऐड करना है, कंटिन्यू कर देना है, और ये जो है डाउनलोड होना जो है आपके सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, गॉट इट, ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्टॉक कनेक्टर आ चुका है। अब हम इसी की हेल्प से यहाँ पे जो है प्राइस को अपडेट कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की प्राइस मेरे को यहाँ पे अपडेट करानी है। तो यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद स्टॉक कनेक्टर पर क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास स्टॉक कनेक्टर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको, जैसे मेरे को बिटकॉइन की वैल्यू है ऐड करनी है, तो बिटकॉइन क्या है, BTC, इसका शॉर्टकट BTC। अगर मैं यहाँ BTC लिखूँगा तो फ्रेंड्स ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं BTC कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये USDT में उठा लेगा। INR में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए USDT में इसने वैल्यू उठा ली है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा BTC और यहाँ पे /INR। क्यों? क्योंकि मुझे INR में चाहिए। INR में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पे जो है INR में वैल्यू जो है अपडेट हो गई है, और यहाँ पे जो है इसकी करंट वैल्यू मेरे को शो हो जाएगी। ऐसी यहाँ पे डोज कॉइन का है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डोजी /INR, क्योंकि INR हमें इंडियन करेंसी में शो करेगा। यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस आ गया INR में। अब बारी है ट्रॉन की, तो ट्रॉन का शॉर्टकट है TRX स्पेस INR चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, तो ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी DigiByte की। तो DigiByte का शॉर्टकट क्या है, DGB, और किस में चाहिए हमें, INR में। तो यहाँ पे INR लिखूँगा, कर दूँगा कनेक्ट और यहाँ पे कर दूँगा ओके। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। अब ऐसी स्टोरेज कॉइन के बारे में करेंगे, तो STORJ /, किस में चाहिए हमें, INR में चाहिए। अब इसको मैं करूँगा कनेक्ट, तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा। ऐसी आपके पास जो जो डेटा पड़ा है सबको जो है आपको यहाँ पे अपडेट करवा देना है। अब इसके बाद हमें जो है फाइनल अमाउंट भी चाहिए, इसको मैं यहाँ से फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। अब हमें टोटल जो है टोटल अमाउंट भी निकालना है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट मेरे पास इतना है। आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैलकुलेशन सब अपने हिसाब से जो है कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं टोटल सम कर देता हूँ, यहाँ पे सम, इसको प्लस करना है, उसके बाद इसको प्लस करना है, उसके बाद मेरे को इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस कर देना है। ठीक है, और एंटर कर देना है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है इसकी करंट वैल्यू जो है आ जाएगी। और इनको जो हूँ मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को इजीली विजिबल हो जाए, और इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो ग्रीन कलर कहाँ गया, ये रहा, जैसे कि मेरे को अपने पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू यहाँ पे दिखती रहे। अब होगा फ्रेंड्स क्या, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे अपडेट हो रही है वो डायरेक्टली रियल टाइम में अपडेट हो रही है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है स्टॉक कनेक्टर, तो यहाँ पे देखिए जो जो स्टॉक्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे ना, या जो जो क्रिप्टो करेंसीज आपने यहाँ पे ऐड करी हुई है वो यहाँ पे जो है शो हो जाएगी। ठीक है, ये रियल टाइम में यहाँ पे डेटा अपडेट करेगा।
यहाँ पे देखिए अभी तो 30 सेकंड्स में कर रहा है, आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 2 मिनट में भी करा सकते हैं डेटा अपडेट, और कम से कम यहाँ पे फ्रेंड्स 10 सेकंड्स में आप यहाँ पे डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। मिनिमम टाइम मैंने यहाँ पे 10 सेकंड्स सेट कर दिया है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब कि जब भी मैं यहाँ पे अब एक्सेल शीट को ओपन करूँगा ना, तो फ्रेंड्स ये डेटा जो है मेरे को यहाँ पे जो है शो हो जाएगा कि अभी जो है करंट प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, आपको बार बार ये नहीं कि कहीं जाना है फिर अपडेट करवाना है, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने क्रिप्टो का नेम ले लिया, इसको ग्राफ में भी अपडेट करा देते हैं, वॉलेट ले लिया और इसकी करंट वैल्यू ले ली। ठीक है, ये चारों सेक्शन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं ग्राफ जो है अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्राफ ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आ गया हमारे पास। ग्राफ जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं, आपको जैसा ग्राफ चाहिए ठीक है अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। इसका लेआउट मैं इस तरीके का सेट कर लेता हूँ डिज़ाइन का। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये वाला जो सेक्शन है ये जो है क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, ये मेरा क्रिप्टो नेम और क्रिप्टो की वैल्यू रिप्रेजेंट करवा रहा है। ये वाला जो है तो देखिए क्रिप्टो का नेम और उसका प्राइस जो है वो शो करा रहा है। ये ऑरेंज वाला जो सेक्शन है ये हमारा वॉलेट का, जो हमारे पास करंट वॉलेट में जितना भी क्रिप्टो करेंसीज है उसका जो है डेटा यहाँ पे शो करा रहा है। अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू जो है आप किसी भी स्टॉक को जो है अपनी एक्सेल शीट के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग फ्रेंड्स अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी पोर्टफोलियो को मैं और भी ज़्यादा एडवांस लेवल में आपको बताऊँ एक्सेल शीट के अंदर, तो फ्रेंड्स ये भी कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं उन सभी के सॉल्यूशंस जो है आप सभी के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।